डेसिमल का एक क्लास आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो ये होगा डेसिमल का दूसरा क्लास। तो पहला वाला वीडियो थोड़ा सा देख लेना। पहले वाले वीडियो में क्या था, मैंने जस्ट नॉर्मली एक बात बोला था कि मान लो ये वाला 15/100, तो 15 को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। मान लो 15 को 100, तो यहाँ पे दो जीरो है ना, तो 15 को पहले ऐसे लिखेंगे, तो दो जीरो के लिए एक दो घर आगे हम लोग पॉइंट को लिखेंगे ऐसे करके। अगर बिल्कुल वही चीज ऐसा हुआ, मान लो 15/10, तो कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक जीरो है तो एक घर आगे पॉइंट को डालेंगे। तो ऐसे हम लोग डेसिमल में कोई भी नॉर्मल नंबर को हम लोग डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब एक बात मुझे बताओ, इसको कैसे पढ़ोगे। कोई कोई इसको क्या बोलेगा, 0.15। कोई कोई इसको क्या बोलेगा, 0.15। कोई कोई इसको बोलेगा क्या, 0.15। लेकिन इसका सही क्या है, सही होगा 0.15। ये कि सही होगा, ये वाला समझ गए। तो कोई भी डेसिमल को पढ़ने के लिए मान लो ये है 142.234, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 142.234। अब इसको, इस पूरे डिजिट को मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो ये वाला जगह को अच्छे से देखना, पॉइंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इसके नीचे ऐसे करके लिखना है बस, और कुछ नहीं, ठीक। पॉइंट के बाद क्या है, 2, 3, 4, उसके पहले क्या है, 1, 4, 2। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना तो समझ जाओगे। पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा है, पॉइंट के बाद 2 था, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 4 था, क्लियर। अच्छा, तो 2 कौन से पोजीशन में आया, 10 पोजीशन में आया, 3 कौन से पोजीशन में, 100th पोजीशन में आया, 4 कौन से, 1000th में आया। तो थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रोनाउंसिएशन करना सीखो, एक होता है 1, एक होता है 10th, एक होता है 100th, एक होता है 1000th, और ये क्या हो गया, 10th, TH, 10th, 100th, 1000th, ठीक है। तो ये कब आएगा, ये पॉइंट के बाद आएगा, और ये कब आएगा, पॉइंट के पहले आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने ऑलरेडी प्लेस वैल्यू चार्ट में सीख लिया था, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000। लेकिन डेसिमल चार्ट में जो पॉइंट के बाद आता है उसको हम लोग 10, 100, 1000 ऐसे करके लिखते हैं, आ गया समझ में, ठीक है। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, 142.234 ऐसे पढ़ेंगे, 234 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0.234 ऐसे पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये वाला नॉर्मल इसको ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है, पोजीशन देख के प्लेस करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह 10, 100, 1000, उसके बाद 10,000 जैसे आता है वैसे आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक बात ऐसा सुनो कि मान लो यही वाले नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यही वाले नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग कैसे लिखते थे बेटा, 1 कौन से पोजीशन में, 100 पोजीशन में, तो 1 × 100, क्लियर। 4 कौन से पोजीशन में, 10th पोजीशन में, तो +4 × 10। 2 कौन से पोजीशन में, 1 पोजीशन में, तो +2 × 2, तो 2 ही छोड़ दो, 2 को ऐसे, 1 पोजीशन में, तो 2 × कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ऐसे हो गया। अब आते हैं इस 2 में, इस 2 कौन सा पोजीशन में, 10th पोजीशन में, पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद है, इसको कैसे लिखना है, 2/10, समझ में बात आया समझ में। देखो पॉइंट यहां पे था, पॉइंट यही था ना, तो इस 2 तक हम लोगों ने नॉर्मल जैसे हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको ऐसे लिखे। जैसे ही पॉइंट के बाद हम लोग जाएंगे कैसे लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग ने पहले डिवाइड किया था ना, 5/10 डिवाइड किया था, तो जैसे ही पॉइंट वाले हिस्से में चले जाएंगे हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 10th पोजीशन में है तो 10 से डिवाइड, तो देखना 10th कहां पे और 10th कहां पे, एस और टीएच ध्यान से देखना। उसके बाद 3 कौन से पोजीशन में, 300th पोजीशन में है, तो क्या करेंगे, 3 को 100 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद 4 कौन से पोजीशन में, 1000 पोजीशन में, तो 4 किसको, 4 से किसको डिवाइड करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखोगे तो मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, ये क्या आएगा, 100 प्लस ये कितना आएगा, 40, ये कितना आएगा, 2 प्लस ये कितना आएगा, 1 जीरो है,
तो टू को इस टू को पहले लिखेंगे तो एक जीरो है, तो एक घर आ गया, मतलब एक घर आ गया, पॉइंट आ गया। प्लस यहाँ पे कितना है, थ्री को पहले लिख दो, कितना जीरो, एक दो जीरो, तो एक घर दो घर, कुछ नहीं है तो एक जीरो डालना पड़ेगा पॉइंट बैठाने के लिए, तो दूसरा जीरो आ गया। समझ में बात क्या? और एक बात देख लो, थ्री मैंने डाल दिया था, दो जीरो है तो एक घर दो घर आगे पॉइंट, प्लस फोर मैंने डाल दिया, कितना जीरो है, तीन जीरो, तो एक दो तीन, इसके आगे पॉइंट। आगे बात समझ में, तीन जीरो है तो तीन घर आगे उसको डालना था इसके, अब इसको प्लस करो, देखो यही आएगा, ठीक। अभी इसको प्लस करोगे तो ये वाला आंसर आपका आएगा। तो ये आपका हो गया डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अच्छे से क्लास फोर क्लास फाइव अच्छे से बुक को देखना, क्लास सिक्स भी अब लोग अच्छे से बुक को देखना, ताकि ये वाला प्लेस वैल्यू चार्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल में। लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल है क्या, मान लो 1.2 है और 2.34 है, ये दोनों लाइक डेसिमल कहलाएंगे कि अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे? हमेशा ये दोनों अनलाइक डेसिमल कहलाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक घर है और पॉइंट के बाद यहाँ पे दो घर है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद अगर घर अलग अलग हुआ तो इन दोनों को हम लोग अनलाइक डेसिमल कहेंगे। अगर ऐसा आया 1.1 एंड 2.3, ये क्या है, ये लाइक डेसिमल है, ये लाइक डेसिमल है। तो इसको और इसको लाइक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद घर सेम होना चाहिए, पॉइंट के बाद घर सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो घर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक घर है, तो पॉइंट के बाद घर सेम करने के लिए पीछे एक जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो देखो वहां पे भी पॉइंट के बाद दो घर हो गया, वहां पे भी पॉइंट के बाद दो घर हो गया, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट एक्सपेंडेड फॉर्म लाइक अनलाइक डेसिमल ये हो गया। तो पहली बात ये वाला वीडियो अच्छे से देखना, और इस वीडियो को देखने से पहले डेसिमल का जो पहला वाला बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने किया था वो वाला वीडियो अच्छे से देख लेना। तो अभी के लिए शुक्रिया।